हेलो बच, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। 3M पेपर बोर्ड्स लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग 22 जुलाई मंडे को यानी कि कल होने वाली। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा ये जानने से पहले हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बिजनेस मॉडल, जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो इस आईपीओ की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। 2021 में 172.63 लाख का प्रॉफिट हुआ था, जो 24 में बढ़कर के 1134.72 लाख हो गई है। इसकी रेवेन्यू 16,552.14 लाख से बढ़कर के 27,601.56 लाख पहुंच गया है। एसेट 14,225.50 लाख से बढ़कर के 19,519.88 लाख पहुंच चुकी है। नेटवर्थ में भी लगातार ग्रोथ है, रिजर्व सरप्लस में भी लगातार वृद्धि है, टोटल ग्रोइंग में भी लगातार ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है, एक कंपनी फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग दिख रही है। अगर फाइनेंशियली मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसमें 10 में से 7 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 18.97% है, ROCE 19.71% है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 18.51% है, पैट मार्जिन 4.11 है, डेट पर इक्विटी 1.19 है। और ए लिस्टिंग गेन पर थोड़ा सा निगेटिव इंपैक्ट दिखा सकती है, बाकी फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। पीई प्री आईपीओ 8.19 है एंड पोस्ट आईपीओ 11.7 है। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। बात करें बिजनेस की, 1989 की स्थापित 3M पेपर बोर्ड्स लिमिटेड हाई क्वालिटी रिसाइकल्ड पेपर बेस्ड डुप्लेक्स बोर्ड का ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसके प्रोडक्ट का उपयोग मुख्य रूप से पैकेजिंग के लिए किया जाता है और कई इंडस्ट्री में इसके प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है, जैसे फूड एंड बेवरेज, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड कंज्यूमर गुड्स के सेगमेंट में इसके प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके प्रोडक्ट का उपयोग कॉस्मेटिक सेगमेंट में भी किया जाता है, तो बिजनेस काफी अच्छा दिख रही है। एंड इसके पास एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो चिपलून रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित है, जिसकी उत्पादन क्षमता 72,000 TPA पर ईयर है। एंड इसके पास 25 डीलरों का एक बड़ा नेटवर्क है जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में और इसके अलावा 15 अदर कंट्रियों में अपने प्रोडक्ट का व्यापार करती है, तो बिजनेस काफी अच्छा दिख रही है। बिजनेस बेहतरीन है, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, इसके पास 231 इम्प्लॉई है, तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग दिख रही है। इसमें अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन भी हुआ है, लोगों ने 171.33 गुना सब्सक्राइब किया है, अच्छा रिस्पांस दिया है, टोटल 171.33 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 175.19 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 284.67 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 79.37 गुना, टोटल 171.33 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ, बहुत ही बेहतरीन सब्सक्राइब हुआ है ए आईपीओ। आज की तारीख में इसकी जीएमपी 34 रुपए है, ओपनिंग 11 रुपए पर हुई थी, बढ़कर के 40 रुपए तक भी गया है, घट करके अभी फिलहाल 34 रुपए, हालांकि अभी भी इसके मुकाबले में बेहतर है। अपने निवेशकों को 49.28% की बेनिफिट दे रही है, अनलिस्टेड मार्केट में 103 पर ट्रेड कर रही है। मैं भी इसकी जीएमपी में थोड़ा सा और डाउनफॉल होने की चांस है, क्योंकि इसमें डेट पर इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा दिख रही है, तो मैं भी इसकी जीएमपी और थोड़ा सा ड्रॉ डाउन होगा, तो 20% से ज्यादा इसकी जीएमपी गिरने नहीं चाहिए। मिनिमम लिस्टिंग गेन इसमें 28% हो सकती है एंड अधिकतम की बात करें तो 70-80% प्रीमियम के साथ ही आईपीओ लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग दिख रही है। आई थिंक सर पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।